लिए पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं बीडीसी जिला पंचायत के साथ साथ प्रधान पद के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। सारे प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम प्रशासन की लापरवाही के चलते मतदाता सूची से गायब हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी में विकास खंड सुल्तानगंज के ग्राम सभा मोहाली खेड़ा में देखने को मिला है, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 से अधिक वोट जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते उनकी मतदाता सूची से गायब हो गए हैं, जबकि ये सारे मतदाता प्रत्येक चुनाव में अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हैं। इस घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों ने संबंध में जिला अधिकारी से शिकायत करते हुए सूची में नाम जुड़वाने की अपील की है। वहीं जिला अधिकारी के आदेशानुसार इस संबंध में जांच करने एसडीएम भोगांव अनिल कटियार उक्त गांव में पहुंचे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। किस गाँव की रहने वाली हो? विद्यानगर। ये बताइए माता जी, तुम्हारा वोट कट गया क्या? कट जाओ वोट हमारा कटवाए दो। अब 50 साल हो गई। कितने सालों से वोट देती आ रही हो आप? 50 साल हुई है जाते लोग वोट। सप्ता देवी कितने समय से गांव में रह रही हो? हम यहाँ 25 साल हो गए। वोट क्या सालों से लगातार डाल रही हो? 20 साल। आपको कब पता चला वोट कट गया? अभी पता चला। शिकायत की थी किसी अधिकारी ने? नहीं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम शिव कुमार सनोब रतिराम। आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? मौली हेड़ा। अच्छा, ये बताइए आपका वोट कटा हुआ बताया जा रहा है, कि कैसे आपको जानकारी मिली कि आपका वोट कट गया? ये 3 दिन पहले इंटरनेट पे मैंने देखा तो उसमें कटा पाया, जानकारी मिली इंटरनेट के द्वारा। तो इतने ऐसे कितने लोग होंगे जिनके वोट कट गए? लगभग 125 से 150 के लगभग वोट कट गए। हाँ। अच्छा, क्या इसकी शिकायत भी की थी कहीं आपने? हाँ, हमने शिकायत की थी। तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अधिकारियों ने यही आश्वासन दिया कि हम जांच करेंगे, जांच में आप वहाँ पर मौजूद मिलें। अभी 4 दिन रह गए हैं पंचायत चुनाव के जी, तो क्या लगता है कि वोट बढ़ेगा और आप मतदान कर पाएंगे? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। केंद्र सिंह। बिजन सिंह, हाँ। आपको कैसे पता चला आपका वोट कट गया? मैंने साहब इंटरनेट पे देखा जी, और हमने वहाँ पर देखा तो हमारा वोट कट गया था। मैंने साहब शिकायत भी की, प्रधान जी से की, उसके बाद डीएम साहब से की। साहब वोट नहीं डल पा रहा हमारा, और हमारा अधिकार साहब छीना जा रहा है। कितने समय से आप वोट डालते चले? हम साहब हो गई हमारे 4 इलेक्शन, यानी कि 20 साल से वोट डाल रहा हूँ। क्या उम्र है आपकी? हमारी 42 साल उम्र है साहब। शिकायत के बाद क्या आश्वासन मिला? उन साहब ने ये मिला साहब को, आपको अधिकार मिलेगा। डीएम साहब ने कहा तो मैं जांच करेंगे और आपका अधिकार मिलेगा। सर, ग्राम पंचायत में शिकायत मिल रही है कि वोट काटे गए हैं अवैध तरीके से, क्या कहना है सर? अभी शिकायत जो है कल दोपहर के बाद जी डीएम साहब का फोन आया कि मोहल्ले का गांव में 90-95 व्यक्तियों के वोट कट गए हैं। सूची निकलवाई, सूची में प्रॉपर तरीके से लेखपाल बीएलओ और जिला साहब को हमारे दस्तखत होके लोकल सूची गई थी जगह पर, वो काटे गए वहाँ पर। लेकिन ये था कि लोग हैं मौके पर, मतलब गांव में रह रहे हैं, उनके वोट काट दिए गए। तो हम लोग आए हैं, हम तहसीलदार साहब आए हैं, जांच कर लेते हैं। अभी जो भी 90-95 जो भी हमको उपस्थित यहाँ मिलेगा, साक्ष्य के साथ मिलेगा, फाट मिलेगा, उसको बढ़ाने कार्रवाई की जाएगी। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।